BJP is trying hard to get a foothold in Kerala, and for the last 10 years you are also focusing on Kerala, but it is very difficult to get a terrain there. Why is it so difficult? What are पहली, the challenges? पहली बात है कि चुनाव में क्या होता है इसके आधार पर हमारी पार्टी सेवा नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं है. आप देख लीजिए पिछले दिनों जब भी केरल में कैलेमिटीज आई, सर्वाधिक लोग अगर मैदान में रह करके काम किया तो हमारे लोगों ने क्या किया है. और इसलिए आज स्थिति यह है कि केरल में लेफ्ट की जमीन खिसक रही है और वहाँ की जनता को पता चल रहा है कि वहाँ के मतदाताओं की आंख में धूल झोंकी जा रही है. एलडीएफ यूडीएफ इकट्ठा हो तमिलनाडु में, एलडीएफ यूडीएफ आमने सामने लड़ते हो केरल में, अब एशियानेट तमिलनाडु में खबर देगा साथ है, एशियानेट केरल में खबर देगा लड़ रहे हैं, तो लोगों का विश्वास टूट जाता है. 2011 विधानसभा चुनाव एनडीए को 6% वोट मिला था. 2014 के बाद लोकसभा विधानसभा लोकल बॉडी हर चुनाव में बीजेपी को करीब करीब 15-15% वोट मिल रहा है. मतलब हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वही एक मापदंड नहीं है. हम जिस प्रकार से वहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, भरपूर सेवा करते हैं, करते रहेंगे. और मैं मानता हूँ कि गुड गवर्नेंस और नैरेटिव मिस इन्फॉर्मेशन, इसके बीच में लड़ाई है. इन्होंने अब हवा बना दी थी कोविड में, बहुत सफलता की और सबसे ज़्यादा लोग वहाँ मरे, विफल फैल गए. तो आप मीडिया को कंट्रोल करके हवा फैला दोगे, इससे नीचे की स्थितियां सुधरती नहीं है जी.